हाउ आर यू? सो सबसे पहले तो शो आने वाला है, नया शो है और फिल्म में अब तक देखा था आप जो है एक्टिंग होने वाली है, टीम में कितने एक्साइटेड हैं और थोड़ा सा कितना है? इनफैक्ट मैंने टीवी से शुरुआत की थी और ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स बैक आई स्टार्टेड फ्रॉम टीवी, फिर मैंने फिल्म्स की, फिर टीवी किया. सो एज एन एक्टर आई ऑलवेज वॉन्ट टू यू नो नॉट लिमिट माई सेल्फ कि मैं सिर्फ टीवी करूँगी या सिर्फ फिल्म करूँगी, मुझे सब अच्छा काम करना है, अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करने हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स करने हैं. सो हियर आई एम विद बेपनाह प्यार जो बहुत ही जल्द आने वाला है टीवी पे 3 जून रात को 10 बजे ऑन कलर्स, एंड आई एम वेरी वेरी थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड अबाउट इट. तो मेरे कैरेक्टर का नाम प्रगति है एंड शी इज़ टुडेज गर्ल, वेरी मॉडर्न बट शी इज़ क्लम्सी एट द सेम टाइम, शी इज़ वेरी सिंसियर बट थोड़ी फॉरगेटफुल है, भूल जाती है, कन्फ्यूज रहती है. सो दीज आर स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स इन अ कैरेक्टर विच मेक अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फन टू वॉच. शी इज़ अ गो गेटर, काम के लिए बहुत सिंसियर है, अपने परमानेंट जॉब चाहिए उसको. तो एक वो नया इंसान होता है जब कॉलेज से निकल के जॉब की शुरुआत करता है, तो जो जितनी एनर्जी उसमें रहती है कि रात को 12 बजे बुलाओ तो वो आ जाएंगे क्योंकि उनको काम करना है, यू नो मेहनत अपना दिखाना है कि यू नो आई कैन डू दिस, शी इज़ दैट. जी तो हमने शूटिंग अभी जस्ट कुछ ही दिन हुए हमने शुरू किया है, सो आई नॉट वर्क विद एवरीबडी बट जितना जितने लोग साथ काम किया मुझे बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा. आई वेंट एक्ट विद पर्ल, हमने शूट नहीं किया अब तक बट ही इज़ वेरी वेरी स्वीट, यू नो सॉफ्ट स्पोकन, डाउन टू अर्थ. सो आई थिंक वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट एंड गाला टाइम ऑन सेट. जी जी चैलेंजिंग आई थिंक वुड बी टेलीविजन बिकॉज नॉट जस्ट फॉर द एक्टर्स, आई थिंक इवन फॉर द क्रिएटिव्स, क्योंकि एवरी डे यू हैव टू कम अप विद समथिंग इंटरेस्टिंग एंड ऑडियंसिस को होल्ड करके रखना है. एंड कुछ शोज है जो सालों साल चलते हैं, यू नो दे हैव सच बिग ग्रेट फैन फॉलोइंग, आई थिंक दैट्स अ वेरी टफ जॉब. सो सबसे मुश्किल जॉब क्रिएटिव्स का होता है मेरे अकॉर्डिंग टू मी, एंड ऑफकोर्स द वर्किंग आवर्स एंड यू नो लाइक इज इट कॉन्स्टेंट योर वर्किंग एंड वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट. बट एज एन एक्टर आई फील इट्स गुड कि आप रोज अपना एपिसोड देखे, यू कैन एड ऑन टू इट, यू नो यू कैन चेंज समथिंग, यू कैन एक्सपेरिमेंट. सो बोथ मीडियम्स हैव देर ओन बेनिफिट्स. इन फिल्म्स यू कैन डू 2-3 टाइप लाइक फिल्म्स कर सकते हो आप, अलग अलग कैरेक्टर प्ले कर सकते हो. सो सबका अपना प्लस एंड माइनस होता है, आई एंजॉय डूइंग बोथ. कितना अनफेयर है, मैंने बोला पर्ल को बैक स्टेज की वॉट इज दिस, हाँ मुझे तो एक ही लड़का मिला, सबको एक एक मिला, आपको 3 मिल गए, आप तो बहुत लकी हो, वो भी इतनी खूबसूरत 3 लड़कियाँ. सो या आई थिंक दिस इज एन इंटरेस्टिंग एलिमेंट इन आर शो. काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कैसे होने वाला है, यू नो 3 गर्ल्स एंड 1 गाय, हाउ इज इट गोइंग टू प्ले आउट. सो वो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा शो जो 3 जून को आने वाला है. इट्स द स्टोरी लाइन, आई थिंक इट्स द स्टोरी लाइन जो लव स्टोरी है विद थ्रिलर एलिमेंट्स एंड विद सो मेनी कैरेक्टर्स दैट वी हैव इन अ शो. एंड धीरे धीरे वो सब ट्विस्ट एंड टर्न्स जब अनवील होंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना कुछ हो रहा है. सो आई कॉन्ट टॉक मच अबाउट द स्टोरी लाइन बट आई कैन से दैट इट्स अ वेरी द प्लॉट इज़ वेरी ग्रिपिंग. थैंक यू, थैंक यू. ओके बोल, सबसे पहले तो शो के बारे में बताइए, काफ़ी अलग सा शो है बेपनाह प्यार, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? डेफिनेटली ये काफ़ी अलग है और मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी इस तरीके का कोई कैरेक्टर प्ले नहीं किया, ना ही कभी देखा है. बिकॉज दुख के अलग अलग लेवल होते हैं, मैं नहीं कह रहा एक सैड स्टोरी है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्टोरी है जिसमें आप बहुत सारे स्ट्रेंग्स देखेंगे. मतलब हमारे लिए हंसने और रोने के बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते, बहुत कम लोग हैं जो उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाते हैं. और मैं चाहूँगा कि भगवान ना करे कभी आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसा कोई दुख आए कि आप उस फेज़ में जाएं. लेकिन ये जो कैरेक्टर है रघुवीर, ये एक बहुत ही अजीब से स्टेट में है अपने ज़िंदगी के, जहाँ पे इस स्टेट में नहीं है, बहुत ही अजीब से स्टेट में है जहाँ पे सही और गलत के बीच में, प्यार और नफ़रत के बीच में वो फ़र्क नहीं कर पाता, खुशी और दुख के बीच में फ़र्क नहीं कर पाता, मतलब पागल समझते हैं लोगों से. तो एक वैसा कैरेक्टर प्ले करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा हूँ. एंड ट्रस्ट मी, मतलब वैसे अभी हम लोगों ने शूट शुरू कर दिया है तो मैं बता पा रहा हूँ, आफ्टर एवरी 10 मिनट्स ऑफ शूटिंग मेरे को खुद ही हेडेक होने लगता है, मैं ब्रेक लेके बैठ जाता हूँ, याद ये क्या हो रहा है मेरे साथ, सिर दुखता है, प्यूकिश लगता है, अजीब सा लगता है, क्योंकि कैरेक्टर इतना इंटेंस है कि फॉर एनी एक्टर फॉर दैट मैटर, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल है. मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर इस शो को देखें, आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा. और बड़ी बात यह है कि मेल सेंट्रिक स्टोरी है, तो बहुत कम ऐसा होता है कि मेल सेंट्रिक, मेरे ख्याल बालाजी में पहली बार हम लोग कोई ऐसा शो लेके आ रहे हैं जो मेल सेंट्रिक है, तो
बहुत ही कमाल का लिखा हुआ है. मैंने जब निर्देशन ली थी तभी से मैं थोड़ा सा सनक गया हूँ. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से और अच्छा किया जाए इसको. इसी के साथ में जिस तरीके से आपने कहा कि कैरेक्टर को इस कैरेक्टर को पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, जी कितनी प्रिपरेशन आपने करी है और क्या क्या रेफरेंसेस लिए आपने इस कैरेक्टर के लिए? रेफरेंस तो मैंने नहीं लिया कोई, लेकिन प्रिपरेशन बहुत की है. क्योंकि ऐसा दुख, अगर आप किसी चीज़ से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी इंसान से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और वो इंसान इस दुनिया से चला जाए और आप अपनी दुनिया उसके बिना सोच ही नहीं सकते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जीना. तो जीने और मरने के बीच की जो स्टेट है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है. तो वहाँ पे लोग आपको पागल समझने लगते हैं. उस तरीके का कुछ कैरेक्टर. आपके किरदारों की अगर बात करिए तो ऐसा कौन सा किरदार है जो आपके सबसे ज़्यादा क्लोज हो? काफ़ी अलग अलग तरीके के किरदार हैं भाई आपने, जिस तरीके से ये अलग है, इससे पहले वाला नागिन में लगता और जो बाकी किरदार जो आपने किया वो भी अलग थे, तो विच वन इज़ योर क्लोज टू योर हार्ट? देखिए, अपने सारे ही बच्चे अपने को उतने ही प्यारे होते हैं. मेरे सारे कैरेक्टर्स मेरे बहुत क्लोज हैं, लेकिन फ़िलहाल जो रघुबीर कैरेक्टर है सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है अब तक का. मतलब बीइंग ए एक्टर, मैं आपसे एक इमोशन शेयर कर रहा हूँ कि मैं बीमार फील करने लगता हूँ. अब ऐसा लगता है कि मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे क्या हो रहा है, वैसा वाला कैरेक्टर है. तो आई एम श्योर अगर मुझे करने में ऐसा सब कुछ लग रहा है तो आपको देखने में भी बहुत मज़ा आएगा. ओके, इसी के साथ में आपके गाने को भी बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? थैंक यू सो मच. ये मेरा पहला गाना है और जिस तरीके का प्यार आप लोग दे रहे हैं दैट्स ओवरवेल्म्ड. मैं बहुत खुश हूँ. आई फील ब्लेस्ड. मैं भगवान से और आप लोगों से बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ. शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं. जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज़ देखिए, सुनिए मेरे गाने को. पीड़ मेरी मेरे गाने का नाम है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके अगर सुनेंगे तो. और अगर अच्छा लगता है तो सबको सुनाइए. ये आप जब लास्ट एपिसोड देखेंगे तो आपको पता चलेगा. जी, वो सुपर टैलेंटेड हैं. वो कुछ भी कर लें तो मुझे कम ही लगेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से वो कुछ भी कर सकती हैं. एक टाइम पे एक इंसान 100 चीज़ें कैसे मैनेज कर सकता है, तो मैं उनसे बहुत सीखता हूँ. मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, स्वीट हार्ट, एंड वो बहुत टैलेंटेड हैं. मतलब जितना टैलेंट हम सोचते हैं कि नहीं यार ये बहुत टैलेंटेड, वो बहुत टैलेंटेड, मैं उनसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि ये तो दूसरे लेवल का ही टैलेंट है. मतलब आप, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला, ट्रस्ट मी, वो एक जगह पे खड़े खड़े ना 15-20 काम एक साथ कर रहे होते हैं ऑलरेडी. दैट्स वेरी डिफिकल्ट एंड शी इज़ माइंड ब्लोइंग. ओके, पर इसी के साथ में जिस तरीके से शो में जो हमने बाकी एक्टर्स हमारी जो बात की, तो उन्होंने बताया कि बहुत ही लकी हैं कि उनको एक तीन खूबसूरत लड़कियों के साथ में काम करने का मौका मिला. इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी डेफिनेटली आप मानते हैं लकी हैं. मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मैं लकी हूँ, क्योंकि बहुत खूबसूरत लड़कियाँ हैं मेरे आसपास और सबको ही अच्छा लगता है. लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि बहुत अच्छे एक्टर्स हों आपके आसपास. इंपॉर्टेंट होता है कि वो कोऑपरेटिव हों. तो द बेस्ट पार्ट इज़ दे ऑल आर वेरी कोऑपरेटिव, दे ऑल आर वेरी गुड लुकिंग, दे ऑल आर वेरी गुड एट देयर क्राफ्ट. वो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. अपने सारे फैंस से सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा. थैंक यू सो मच. आप लोगों ने जो भी मुझे प्यार दिया वो बहुत है. एंड आपने बहुत प्यार दिया नागिन 3 को, माहिर को बहुत प्यार दिया. मैं चाहता हूँ कि अब आप बेपनाह प्यार दें, बेपनाह प्यार को और रघुबीर को. बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं एंड आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और मुझे आपके बहुत सारे प्यार की ज़रूरत है. सो प्लीज़ देखिए एंड मुझे बताइए TRPs के थ्रू कैसा लगा आपको. अभी तो आने दो, नागिन 4 में बहुत टाइम. थैंक यू. थैंक यू. एक्साइटेड हूँ कि फर्स्ट टाइम मैं सुपर नेचुरल जॉनर को जो है करने जा रही हूँ और हर दिन बहुत चैलेंजिंग होता है और बहुत मज़ा आता है सेट पर. इनफैक्ट बहुत अच्छी टीम मिली है मुझे, बहुत अच्छे डायरेक्टर मिले हैं और को एक्टर्स बहुत सपोर्टिव हैं. हम लोग काफ़ी रिहर्स करते हैं देन वी डू द सीन, तो काफ़ी अच्छा होने वाला है आई फील. सो इट्स अ प्लेजेंट कोइंसिडेंस कि इस शो में भी नाम मुझे संध्या मिला. मतलब पहले से ही स्क्रिप्ट में संध्या नाम था और जब मैं सिलेक्ट हुई एंड देन आई गेट टू नो दो दिन पहले शूटिंग से कि संध्या ही है, तो मुझे यही सोचा कि गॉड का एक अच्छा प्लेजेंट कोइंसिडेंस है. और ऑल्दो मेरी ऑडियंस मुझे संध्या नाम से ही ज़्यादा जानती है, हाँ, बट ये किरदार उस संध्या से बहुत डिफरेंट है. शी इज़ अ मराठी गर्ल और इंडिपेंडेंट है, केयरिंग है, लविंग है, बिलीव्स इन ट्रू लव और उसके सिबलिंग्स उसको शी लुक अप टू हर.
और बेसिकली या शी बिलीव्स इन गॉड एंड कुछ एक इनऑस्पिशियस टाइम में वो महाशिवरात्रि के दिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है हिवॉक, जिससे उसकी लाइफ के अंदर एक हिवॉक हो जाता है कि टू वेदर टू फॉलो हर हार्ट और माइंड. मेरे बच्चे के साथ में एक कज़न भी है तो जो कि 20 दिन छोटी है, तो थोड़ा हो जाता है. एंड ऑल्सो रोहित ऑल्सो टेकन अ ब्रेक फॉर 2-3 मंथ्स कि जब तक मेरा इस तरह का शूटिंग स्केड्यूल है और इधर उधर पी आर एक्टिविटीज़ हैं तब तक जो है सोहम को एटलीस्ट ये हो कि पापा तो देखने को मिल रहे हैं. थैंक यू. ज़्यादा समय तो नहीं लगा है, जस्ट एन हाफ एन आवर. इज जस्ट अ नाइस कलर जो कि मेरी स्किन टोन को और ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है और ज़्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज द कलर इज सो प्रिटी. एंड आई थैंक टू आकांक्षा माई स्टाइलिस्ट हु ब्रॉट मी दिस सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस. पहला सीजन काफ़ी हिट रहा है, कुछ सेकंड सीजन के बारे में यू नो एज एन एक्टर क्या एक्सपेक्टेशन? बहुत पहला सीज़न बहुत अच्छा था और उसी तरह से सेकंड सीज़न भी, मतलब मैं हम लोग पढ़ते हैं और देन हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं तो हर दिन बहुत चैलेंजिंग होता है. स्टोरी इतनी अच्छी, जैसे कि आपने देखा अभी यू नो कि एक लड़की है, एक सिंपल लड़की है, उसकी लाइफ में इस तरह से यू नो हिवॉक हो जाता है महाशिवरात्रि के दिन कि गॉड ने उसको कोई और लड़का दिखा दिया एंड शादी किसी और से हो रही है, तो वो किसको चूज़ करेगी, अंगद को या कपिल को? तो वो एक बहुत ज़्यादा हिवॉक है एंड कन्फ्यूजन्स हैं एंड देन वो अपनी फैमिली के लिए कैसे कवच बनेगी, तो और विद सुपरनैचुरल थिंग्स एंड घोस्ट एंड एवरीथिंग, तो अगेन बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं रास्ते में और उसको कैसे वो चैलेंजेस को लेती है एक सिंपल लड़की. तो बहुत अमेजिंग है, स्टोरी बहुत अमेजिंग है, मैम ने बहुत 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 अच्छा लिखा है. आई फील आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे इस स्क्रिप्ट पे काम करने का मौका मिला. आई एम थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू. पिछले 2 साल से मैं नहीं हूँ टेलीविजन स्क्रीन पे, बट आपने मुझे इंस्टाग्राम पे बिकॉज ऑफ योर मेहनत इतने सारे VM मेरे पास्ट वर्क को बार 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 उस पर एडिटिंग करके, जिसमें मैं खुद से जानती हूँ कि एडिटिंग में कितना टाइम लगता है, मगर वो लोग वीडियोज़ और एडिटिंग कर करके मेरे मुझे बार बार खबरों में रखते हैं, तो वो आई थिंक मुझे अभी तक के बेस्ट फैंस मिले हैं जो मैं स्क्रीन पे ना होते हुए भी वो फिर भी मुझे चाहते हैं. आई थिंक मैं आज वापस जो आई हूँ वो अपने फैंस की वजह से ही आई हूँ बिकॉज दे वॉन्ट टू see my work more and more, they want to see me performing. Thank you so much.